स्वर्गीय महाश्री तेजपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना का समारोह आज यहाँ रखा गया है। हमारे साथ उनके पुत्र बात करने के लिए हैं, डीपी यादव जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। सर ये बताइए सर, बाबू जी के कुछ विचारों को बताएं सर। देखिए, बाबू जी के विचारों को मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। जब मैं राजनीति में आया तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, मैं कॉलेज छोड़ करके आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई राजनीति में जाने का तुम्हारा फायदा इसलिए नहीं है कि राजनीति में बहुत अच्छे ज़्यादा अच्छे लोग नहीं रह गए हैं। मैंने कहा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम एक अच्छी राजनीति करने की कोशिश करेंगे और सही राजनीति करेंगे। तो उन्होंने कहा तो अगर नहीं मानते तो मेरी दो बातों को ध्यान रखना कि एक तो अगर तुम्हारे पैर में कभी मतलब जूता भी ना रहे, नंगे पैर भी रह जाओ, तो कभी भी बेईमानी की राजनीति मत करना। और अगर कहीं किसी गरीब की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़े और वो तुम्हारे से कहे कि मुझे सताया जा रहा है, तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना। इन्हीं बातों को लेकर के मैं राजनीति में आया। तभी से किसानों, मजदूरों, नौजवानों और हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ जो व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार होता है, उनकी तो तरजीह दे करके और उनको ताकत देने का काम तभी से आज तक मैं करता हूँ। मेरी लड़ाई गरीब और अमीर के बीच में है, यानी गरीबों की परवरिश हो, उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, आगे चलें, पिछड़े इलाकों में काम हो, उनके पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, इन तमाम बातों को लेकर मैं राजनीति में हूँ। वो मेरे पिताजी के विचार हैं और पिताजी ने हमेशा शिक्षा के ऊपर बल दिया कि शिक्षित बनाने का काम सबसे बड़ा दान है, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। उनकी बातों को मानकर आज हम इस रूप में। यादव जी, मैंने यहाँ लोगों से बात की तो यहाँ पे एक लोकप्रिय नेता के रूप में आपको देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है लोकप्रिय नेता के रूप में आपको पसंद करते हैं लोग यहाँ पर। देखिए, मेरा स्वभाव और मेरा कर्म इस बात का प्रतीक है कि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और गरीब लोगों का साथ देता हूँ, नौजवानों का साथ देता हूँ। अथक परिश्रम मैंने राजनीति में किया है, इसीलिए मैं 4-5 बार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा। तो कुल मिलाकर के लोगों के बीच जो काम करने का मादा है वो हमारा बिल्कुल उसी तरीके से है, इसलिए हम हर तरीके से मजबूती के साथ अपने लोगों के बीच में जीने का काम करते हैं। बिल्कुल, जो संस्कार दिए गए हैं वो परिवार की तरफ से संस्कार दिए गए हैं। आज उनके पिताजी की मूर्ति स्थापना का यहाँ समारोह रखा गया, जिसमें डीपी यादव ने कई बड़े नेताओं को बुलाया था। कैमरा अमित के साथ नेटवर्क 10 नोएडा।